रश्मि आवाज मत करना। अरे तुमसे कह रहा हूँ आवाज मत करो। मैं आवाज नहीं कर रही हूँ, तुम आवाज कर रहे हो। अरे लेकिन अभी तो बोल रही हो ना, तो कहीं कहीं तो समझदारी दिखाओ। सेम टू यू, तुम चुप हो जाओ ऋषि प्लीज। तो कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए सब? कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कहाँ चले गए? क्या भाग गए होंगे? उन्हें तो भागना ही था। मतलब एक सेकंड, कहाँ भाग रही हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मतलब क्या तुम्हारी मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहे? तुम्हारे साथी है ना ये, तो तुमने अलर्ट कर दिया होगा कि हम आ रहे हैं पारू को लेने के लिए। तो बस वो लोग पारू को लेकर कहीं और चले गए। सही कह रही हूँ ना? गलत, बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी बेटी के साथ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरे साथी? अरे वो सारे तुम्हारे साथी हैं। इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ, अपने साथी को इन्फॉर्म कर दिया कि ऋषि आ रहा है पारू को बचाने के लिए, जल्दी से चले जाओ वहाँ से। अच्छा जानता हूँ, इसलिए मेरे साथ आई हो ना, ताकि अपने साथियों को बचा सको। इसकी असली गुनेगार ना तुम ही हो। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, बार बार मुझ पर दोष लगाना बंद करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम एक माँ पर उंगली उठा रहे हो। अरे एक तो ये बार बार ये माँ पे उंगली उठा रहे हो, माँ पे उंगली उठा रहा, वो ये बोलना ना बंद कर दो। मैंने कभी भी अपने पिता होने का फायदा उठाया? कभी भी उठाया? माँ की ममता होती ना तो पिता भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। और ये मत भूलो कि मैं ही पारू का डैड हूँ, मैं पारू का पिता हूँ। और हाँ एक और बात अच्छी तरह से समझ लो, वो जो किडनैपर था ना, उसका मैसेज इसी माँ के फोन पे आया था। तो ये माँ ममता बोल के ना अपने गुनाह को छुपाओ मत। बस ऋषि, मेरी ममता के खिलाफ अब एक शब्द भी मत बोल। ऐसा ना हो कि मैं अपनी हदें ही भूल जाऊँ। वो तो भूल ही चुकी हो तुम, वो तो भूल चुकी हो तुम लक्ष्मी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने स्वार्थ में तुम इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बेटी को तकलीफ में डाल दोगी। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में डालूंगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी को एक खरोच भी आती है ना तो हजार मौत मरती हूँ मैं। उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाती मैं, और मैं उसके साथ ऐसा करूंगी? इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है तुम्हारी? घटिया सोच? इतनी गिरी हुई सोच? गिरी? तुम अपने स्वार्थ में इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था ऋषि। लुक हू इज टॉकिंग, स्वार्थ में मैं गिर गया हूं। वास यहीं से आई है, इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए होंगे। लक्ष्मी बाहर चलती। पारो, पारो! पारो की आवाज यहीं से आई है। पारो, पारो ऋषि को कितना चाहती है, कितना भरोसा है उसे अपने डैड पर, उससे भी ज्यादा। तभी तो उसने डैड को आवाज दी। फिक्र मत करो बेटा, डैड आ गए हैं ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। डैड प्लीज मुझे बचाओ, ये बहुत गंदे अंकल है। पता है ये कह रहे थे कि ये मेरी टांगे तोड़ देंगे। पारो, पारो, पारो! मेरी बेटी को किडनैप करेगा, जान से मार दूंगा तुझे। बता कौन है तू? बता कौन है? मास्क हटा। बंद करिए तमाशा, गोली मार दूंगा इसे। बंद कर, छोड़ दे। मास्क हटा। मैं उसे गोली मार दूंगा। छोड़, छोड़ दे, छोड़। छोड़ दिया। कनाडा, वहां से कनाडा।
कनाडा गोली मार दूंगा, दोनों की खोपड़ी खोल दूंगा मैं। मैंने छोड़ दिया उसे कनाडा, तू साइड हो। खोपड़ी खोलेगा, खोपड़ी खोपड़ी खोलेगा। एक हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। उठ, छोटी बच्ची को कहीं आप करोगे? कौन तोड़ेगा ना तू? हाँ पता कौन है तू? किडनैप करके आप किडनैप क्यों किया मेरी बेटी को? कौन है मार पड़ा बताओ। मास्क पहनो। शर्मा को फोन कीजिए जल्दी जल्दी, इमरजेंसी है। प्लीज जल्दी फौरन इलाज करना है। हाँ प्लीज जल्दी करिए। आपने ये बच्ची को ऐसे गोद में क्यों लिया हुआ है? स्ट्रेचर ले। अरे स्ट्रेचर वैसे का टाइम नहीं, आप इलाज करना है उसका, इमरजेंसी है, वो बेहोश है। जल्दी जल्दी फोन कीजिए, डॉक्टर शर्मा को इमरजेंसी रूम में भेज देना। आप आइए मेरे साथ जल्दी जल्दी प्लीज। कुछ नहीं होगा पारू, प्लीज जल्दी जल्दी डॉक्टर शर्मा को बुलाइए जल्दी। कुछ नहीं होगा, आप बैठो। आयुष अंदर, आयुष अंदर लेके जा, चल जल्दी। आराम से मेरा पारू। सब ठीक हो जाएगा, आप अपनी वाइफ के साथ रहिए, इनको आपकी जरूरत है। मैं बच्ची का इलाज करूंगा। देखिए आप लोगों को हिम्मत रखनी होगी, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ओके बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। जल्दी डॉक्टर प्लीज, मेरी बच्ची की रक्षा करना प्लीज सर।